Hey friends, this is Jalpa. Welcome to my channel, the Jeps Wines. आपको तो पता है अभी क्वारंटाइन में सब लोग कितना फ्री रहते होंगे, तो मैं भी कुछ फ्री थी और मैं मेरे फ्री टाइम में मेरी ऑक्सीडाइज की ज्वेलरी उसको क्लीन कर रही थी. तो मुझे लगा क्यों ना मैं आप लोगों को भी ये बात शेयर करूँ कि ऑक्सीडाइज ज्वेलरी को किस तरह से क्लीन करना चाहिए. सो मैं आपके लिए आज ऑक्सीडाइज ज्वेलरी क्लीनिंग का एक वीडियो लेकर आई हूँ. डोंट फॉरगेट टू वॉच माई वीडियो टिल दी एंड. वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन भी क्लिक कर देना ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स, आपको तो पता है ऑक्सीडाइज ज्वेलरी अभी कितना ट्रेंडिंग में चल रही है, वेस्टर्न वियर हो या तो फिर एथनिक वियर. ऑक्सीडाइज ज्वेलरी दोनों में बहुत ही अच्छी लगती है. सो मुझे भी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का एक बहुत बड़ा क्रेज है. ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का रेगुलर यूज करने से वो काली हो जाती है या तो फिर पहनने के बाद हमने अपने ड्रॉवर में या तो फिर कबर्ड में स्टोर करके रखी हो तब भी वो काली हो जाती है. तो चलिए आज मैं आपको दिखाऊंगी कि आप सिर्फ एक चीज की मदद से किस तरह से अपने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी को सिर्फ 10 मिनट में क्लीन कर दोगे और वापस वो एकदम पहले जैसी नए जैसी आप कैसे कर पाओगे और आप उसे वापस रीयूज कर पाओगे. फ्रेंड्स, तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी सिंथेटिक विनेगर जो आपको कोई भी किराना शॉप में आसानी से मिल जाएगा. सो ये मेरा एक ऑक्सीडाइज का सेट है जो काला पड़ गया है, तो आज मैं आपको विनेगर की मदद से उसको फिर से नए जैसा करके दिखाऊंगी. एक पुराना टूथब्रश लेना है, आपको इस तरह से टूथब्रश को विनेगर में डुबोकर उसी की मदद से पूरे सेट को साफ करना है. के बाद पानी में अच्छे से साफ कर लेना है और पानी से धोने के बाद आपको एक साफ रुमाल की मदद से उसे क्लीन कर लेना है. तो फ्रेंड्स, विनेगर से साफ करने के बाद आप खुद फर्क देखिए. पहले मेरा ये जो सेट था वो कितना काला था और अभी देखो ये कितना क्लीन लग रहा है. ये देखिए आपको एकदम मतलब अच्छे से फर्क नज़र आ ही रहा होगा. और उसी तरह से ये मैंने जो मेरी इयररिंग्स थी वो भी विनेगर की मदद से क्लीन कर दिए है, तो वो भी कितनी अच्छे से मतलब क्लीन लग रही है. फ्रेंड्स, इस तरह से आप सिर्फ विनेगर एक ही चीज की मदद से अपने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी को फिर से पहले नए जैसी बना सकते हो. सो मैंने तो अपनी ज्वेलरी क्लीन कर दी है, आप भी फटाफट से जाकर अपनी सारी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी क्लीन कर दो. सो इसी तरह से आगे भी मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून विथ माई चैनल द जेप्स वाइंस. सो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना. मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना. Thank you so much from the Jeps Wines. Bye bye.